बाबर ने आखिरकार भारत पर आक्रमण क्यों किया? इब्राहिम लोदी इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी क्यों हार गया? ऐसी कौन सी युद्ध नीतियां अपनाई बाबर ने जिसकी वजह से वह मात्र 12,000 की फौज के साथ जंग को जीत गया था? तो आइए इन सारे सवालों के जवाब हम जानते हैं इस पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय बाबर की उम्र महज 43 साल की थी, वहीं इब्राहिम लोदी की उम्र इतिहास में दर्ज नहीं है। बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, जबकि इब्राहिम लोदी अफगान शासक बहलोल खान लोदी का वंशज था। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि बाबर को फरगना और समरकंद से उसकी हरकतों की वजह से निकाल दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में दिल्ली का राजा बन गया था, या फिर यूं कहें कि पानीपत के प्रथम युद्ध के 10 साल पहले से ही वह दिल्ली सल्तनत को संभाल रहा था। अब आइए जानते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के सैन्य क्षमताओं के बारे में। बाबर की सेना में 12,000 से 25,000 के लगभग सैनिक थे और उसके पास भारी भरकम तोपें भी थीं। पानीपत का प्रथम युद्ध ही वह युद्ध था जिसमें भारत के इतिहास में पहली बार मैदानी तोपों और गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया था। वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 के आसपास भारी भरकम फौज थी। इसके अलावा इब्राहिम लोदी के पास 1,000 के लगभग युद्ध हाथियों की सेना भी थी, और दोस्तों इसी फौज के दम पर वह कई युद्धों को जीत चुका था। और वह ऐसा दौर था जब हाथियों की संख्या ही किसी की जीत या हार का फैसला करते थे। तो अब आइए हम इस सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिरकार बाबर ने इब्राहिम लोदी या फिर दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण क्यों किया। दोस्तों दिल्ली सल्तनत कोई कमजोर साम्राज्य तो था नहीं, और बाबर की फौज इब्राहिम लोदी के सामने चींटी की समान थी। तो बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर इसलिए हमला किया क्योंकि पश्चिम में उसे फरगना और समरकंद, जो कि आज का उज्बेकिस्तान है, उसे वहां से निकाल दिया गया था, और काबुल कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर वह ज्यादा समय के लिए स्थिर रह सकता था। उसने फरगना और समरकंद को दोबारा से पाने के लिए लगभग 20 बार आक्रमण भी किया, लेकिन वह हर बार विफल हुआ। तो उसके पास पूर्व में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी बाबर को बार बार भारत पर आक्रमण करने को उकसा रहा था और बार बार बुलावा भी भेज रहा था। तब बाबर ने इस सुनहरे अवसर को पहचाना और दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने का फैसला किया। अब जानते हैं कि आखिरकार इतनी विशाल फौज होने के बावजूद भी इब्राहिम लोदी क्यों हार गया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी भी युद्ध में मैदानी तोपों और गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया था। आपको ये बात भी बता दें कि बाबर से बेहतरीन कमांडर आज तक कोई नहीं हुआ। युद्ध से पहले ही बाबर ने पानीपत के मैदान में तैयारियां कर ली थीं। जंग के शुरू होने से पहले बाबर ने उस मैदान में 25 फीट गहरी और 7 किलोमीटर लंबे गड्ढे खुदवाए और नुकीली लकड़ियों के बीच उसने अपनी फौज को छिपा दिया। बाबर ने अरबा और तुगलुमा युद्ध नीतियां भी अपनाई, जिसके तहत उसने अपनी फौज को 3 टुकड़ियों में बांट दिया। बाईं फौज की टुकड़ी का कमान उसके बेटे हुमायूं ने संभाला और दाईं टुकड़ी का कमान उसने अपने सबसे बेहतरीन कमांडर को दिया, और बीच में से वह युद्ध का स्वयं संचालन कर रहा था। जैसे ही लोदी की सेना आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी, कुछ टुकड़ियां गड्ढे में आ गिरी और बाबर की सेना को कुछ समय और मिल गया। लोदी की फौज कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने मैदानी तोपें दागना शुरू कर दिया। दोस्तों उस समय तकनीक इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि तोपें ज्यादा नुकसान कर पाती, लेकिन तोपों ने ही बाजी पलट डाली।
तोपों से निकलती आवाजों ने ही हाथियों को बरगला दिया और हाथी बाबर की फौज को कुचलने के बजाय लोदी की सेना को कुचलना शुरू कर दिया। इब्राहिम की फौज इस उलझन से निकल पाती कि बाबर की दाई और बाई ओर की टुकड़ी ने आक्रमण कर दिया और उसकी फौज ने जीत सुनिश्चित कर ली। दोस्तों, बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार डाला। बाबर इतना क्रूर शासक था कि उसने इब्राहिम लोदी के हर एक सैनिक को मार डाला और उनका सर कलम करवा दिया। इतना ही नहीं, बाबर ने उनके सर कलम करने के बाद उनके सर और धड़ से एक 35 फीट ऊंची दीवार बनवाई ताकि दुनिया को पता चले कि अब दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुका है और अब यहाँ से मुगलों का शासन शुरू होता है। और दोस्तों, तब से लगभग 300 सालों तक दिल्ली पर मुगलों का शासन रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।